नमस्कार और आप देख रहे हैं पंपल। आज की एक खास वायरल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जी हां, हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश यादव शहर में बढ़ रही लगातार आपराधिक घटनाओं से दुखी होकर के पुलिस कप्तान सुनोचना गजराज पर खूब बरसे। इस समय उनका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और शहर में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इस ऑडियो में मंत्री ओम प्रकाश यादव एसपी को नालायक तक कहने तेज सुनाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के बीच उनके बेबाक बोल खूब सराहना बटोर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के लोग भी उन पर खूब चुटकी लेते नजर आए। इस बीच एसपी को भी बदल दिया गया। इस ऑडियो में वे कह रहे हैं कि गुंडों से मिली हुई हैं एसपी सुलोचना और ये सारा काम एसपी ही करवा रही है, केवल इसकी एसपी ही जिम्मेदार है, ये एसपी ही बकवास है। यहाँ तक भी कह दिया कि ये एसपी गुंडों से मिली हुई है और आज नहीं तो कल इसका इलाज भी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बड़े गुस्से में बोल रहा हूँ, शब्दों का अर्थ अलग होता है, बोलने के लहजे का अलग होता है, मैं दुखी हृदय से बोल रहा हूँ, कोई सुनने वाला तक नहीं है। हालांकि मैं मंत्री हूं और मंत्री होते हुए ये कह रहा हूं, रो रो कर मर लिए, कई बार कह चुके हैं मगर सुनने वाला कोई नहीं है, क्या करें इस बात का। हालांकि समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां की एसपी ही भ्रष्ट है और गुंडों से मिली हुई है। बदमाशों से मिले होने और अपना कमीशन इकट्ठा करने के अलावा इसको कोई काम नहीं, इसमें भी बदमाशों को इन्वॉल्व कर रखा है। जी हाँ, ये बोल है मंत्री जी के, लेकिन आपको उनका ऑडियो भी सुनाते हैं, आइए इस खास रिपोर्ट में। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार, गुलशन यादव खबर फास्ट नारनौल से बोल रहा हूँ सर। हाँ भाई सर, सर ये क्षेत्र में आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं ऐसे आपराधिक तत्वों की, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? इसके बारे में कहूँगा इट इज गुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी जी सर है? नोट करो आप, इट इज गुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दी। अच्छा अच्छा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई कहानी नहीं, मैं मंत्री होते हुए बात कर रहा हूँ। जी जी जी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जीरो। हम दुखी है, हम दुखी है, मैं दुखी हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, रो रो कर भर लिए, जी कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर आमजन तो परेशान है सर इन समस्याओं से। सरकार में आप मंत्री हैं, मंत्री की जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसका समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आए दिन कल पहले घटना होती है, कल शाम की जो घटना है, यहाँ की एसपी भ्रष्ट है जी, यहाँ की एसपी भ्रष्ट है जी, गुंडों से मिली हुई है जी जी, और सारा काम ये एसपी करा रही है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा रोल है ऐसे जो वारदात, एसपी ओनली एंड ओनली जिम्मेदार एसपी। सर सरकार की भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है, आप मंत्री हैं। सरकार देखेगी, हम इसका विचार करेंगे, इसके ऊपर हम विचार करके सही काम करेंगे और जल्दी इसके ऊपर निपटारा करेंगे। सर थैंक यू, ये एसपी बकवास है, ये गुंडों से मिली हुई है और ये बकवास कर रहा है जी, बिल्कुल, और हम इसका इलाज करेंगे। ठीक है सर, आपसे यही आशा है क्षेत्र के लोगों का, हम इसका इलाज करेंगे। मैं बड़े गुस्से में बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात नहीं, है नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे सर। कोई शब्दों का अर्थ अलग होता है और बोलने का अलग जगह अर्थ अलग होता है। नहीं बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल सही बात है, मैं बड़ा दुखी हूँ और ये एसपी बिल्कुल नालायक, जनता ने आपको विश्वास कर वोट, ये एसपी बिल्कुल नालायक, मैं कह रहा हूँ एसपी बिल्कुल नालायक, नेक्स्ट टू नथिंग, और बदमाशों से मिली हुई है, सिर्फ इसको अपने कमीशन इकट्ठा करने के सिवा दूसरा काम नहीं है, और उसमें भी बदमाशों को इन्वॉल्व कर रखे। सर हाई कमान तक, जैसे आप मंत्री हैं तो हाई कमान तक तो इस मैटर को पहुंचाइए आप, मेरी इस बात को, मेरी बात को भी आगे पहुंचे। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। एसपी गुंडों से मिली हुई है और ये इस प्रकार की बात करके काम कर रही है। ठीक है सर, थैंक यू।